वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। इतिहास हिमायूं नूं उपदेश, गुरु नानक साहिब जी का उपदेश है कि परमात्मा विच अनेक गुण हुंदे हन, जिन्हां विच निर्भौ भी एक गुण है। गुरु जी ने भी मनुखा नूं प्रभु का सिमरन करके निर्भौ हुण दा उपदेश दिता। गुरु जी ने भी प्रभु का सिमरन करके प्रभु नाल एक मिक सन। दूसरे गुरुदेव जी ने भी गुरु नानक साहिब द्वारा दर्शाई सिक्ख्या नूं अपने जीवन द्वारा पहुंचाया। हिंदुस्तान दा बादशाह हिमायूं सेजा सूरी पासों हार के पंजाब लंघ रहा सी। वह पीरा फकीरा पासों दुआवां मंगदा फिरदा सी कि छुट्टिया राज वापस मिल जाए। हिमायूं ने गुरु जी बारे भी सुनिया। ओह गुरु अंगद देव जी नूं मिलन खडूर साहिब पहुंचिया तां उस वेले गुरु जी बच्चे नूं गुरमुखी पढ़ा रहे सन। गुरु जी ने हिमायूं वाल कोई ध्यान दिता। फिर किसी हिमायूं नूं बहुत गुस्सा आया। उसने क्रोधवान हो के गुरु जी पर तलवार कढ लई। गुरु जी अडोल रहे, उन्होंने बड़े ही मिठ बोल रहे च कहा, हिमायूं चापलूसी की उम्मीद रख के हथियार उपर हथियार चुकण दे काम नहीं हुंदा, यह बुझ दिला दा काम है। गुरु जी ने होर कहा कि जिहड़ी तू तलवार साडे उपर चुकी है वह सहज सूरी का मुकाबला करन वेले कित्थे सी। हिमायूं नूं अपनी गलती का एहसास हो गया। वह मन ही मन पछता रहा सी। हुण हिमायूं गुरु जी सामने सिर झुका के अपराधी वांग खड़ा सी। गुरु जी ने हिमायूं नूं समझाया। हिमायूं ने गुरु जी पासों माफ़ी मंगी। सिख्या, क्रोध नहीं करना चाहिए, चापलूसी की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, नौहत्थे उपर वार नहीं करना चाहिए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।